तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका गेम प्ले भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ, और आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग अभी जिस गेम के अंदर है उस गेम के अंदर अज्जू भाई 94 भी आ चुके हैं, और मेरा और उनका फाइट का मोमेंट आप लोग को इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और वो बहुत ही खतरनाक मोमेंट था मेरे लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो का आप लोग बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कल सुबह लगभग 11 बजे करीब में हम लोग अपना रैंक गेम खेल रहे थे, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम लोग रैंक गेम खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर अपना जब तीसरा गेम स्टार्ट किया तो हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग पिक पर उतरेंगे, तो हम लोग यहाँ पर पिक पर उतर गए। मेरा जो टीममेट है वो लोग पिक के सेंट्रल में चला गया और मैं यहाँ पर नीचे सीमेंटेड हाउस में उतर गया। तो मैं यहाँ पे नीचे अपना धराधर लूट करने में बिजी हूँ और मेरे टीममेट का फाइट वहाँ पे ऊपर शुरू भी हो चुका है। फ्रेंड्स, मेरे टीममेट का फाइट वहाँ पे जिस स्क्वाड के साथ हो रहा था वो अज्जू भाई का ही स्क्वाड था। पर फ्रेंड्स, मैं सच में बोल रहा हूँ कि मुझे उस वक्त बिल्कुल भी पता नहीं था कि अज्जू भाई हमारे गेम के अंदर आ चुके हैं और उनके स्क्वाड के साथ हमारा फाइट भी शुरू हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अपना जल्दी जल्दी लूट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने लिए एक ग्लोअल ढूंढ रहा था, मेरे पास एक भी ग्लोअल नहीं था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एक ग्लोअल मिल गया, तो हम लोग मैं सोचा कि चलो यहाँ पे अब ग्लोअल भी मिल गया, एमओ भी है और गन भी है, तो चलते हैं अब ऊपर। तो मैं जैसे ही ऊपर जा रहा हूँ तब तक मेरे ऊपर फायरिंग शुरू हो चुका है। हो रहा बंदा तो मैंने यहाँ पे उसको डैमेज थोड़ा सा दे दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर में चला जाता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही ग्लू वॉल है और मैं अपना ग्लू वॉल वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पे कवर में आ चुका हूँ और वो बंदा शायद वहाँ पे है या चला गया है, पता नहीं। उनका साथ पूरा स्क्वाड है वहाँ पे ऊपर में। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सेफ खेलने लगा, कवर ही खेल रहा था। तब तक मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पे मेरे टीममेट धराधर नॉक होना शुरू हो गए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एक टीममेट पहले ही मर चुका है और मेरे बचे हुए दो टीममेट अभी नॉक पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि वहाँ पे जाना मेरा जरूरी है, तो हम लोग वहाँ पे जाता हूँ। और रास्ते में जाते जाते यार देख ही लो आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि अज्जू भाई 94 किल परवीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देख के मेरा हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। मेरे बंदे को यहाँ पे अज्जू भाई ने मारना शुरू भी कर दिया, दो को तो लुटका दिया और एक बचा था उसको भी लुटका दिया, और यहाँ पे मैं अकेले बच गया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शायद अज्जू भाई का फाइट हो रहा है किसी स्क्वाड के साथ, तो मैं सोचा यहाँ पे जाके उनके फाइट का फ़ायदा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे साइड से फायर करना शुरू कर दिया और यहाँ पे एक बंदा नॉक। तो मैं यहाँ पे फायर कर रहा हूँ यार, मेरे को यहाँ पे फायर करने में मुझे दिक्कत हो रहा था, मैं जूम कर रहा था, मेरा जूम हो नहीं रहा था ठीक से। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेयर को तो नॉक कर दिया और यहाँ पे जितना उसको दूसरा उसको बचाने आया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा भी नॉक हो चुका है और यहाँ पे एक का किल कन्फर्म और दूसरा का भी कन्फर्म। तो मैंने यहाँ पे तो दो बंदों को मार दिया और मुझे यहाँ पे अब लगा कि मुझे आगे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आगे आ चुका। तो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि एक बंदा दीवार के पास में आ चुका है मेरे ऊपर रश करने के लिए। ओ भाई साहब, देख रहे हो यहाँ पे यार, देख रहे हो यहाँ पे मैंने उसको डैमेज दिया था, यहाँ पे मैंने हेडशॉट भी दिया था, लेकिन वहाँ पे शायद ठीक से हेड पे नहीं लगा और यहाँ पे मुझे अज्जू भाई ने एक ही बार में हेडशॉट मार के यहाँ पे मुझे पूरा ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बहुत ही बड़ा यहाँ पे नोबरापंथी कर दिया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जंप करके मारना चाहिए था, तो फ्रेंड्स मैं शायद यहाँ पे उनको हेडशॉट मार देता। तो यहाँ पे आप लोग सुन ही सकते हैं कि यहाँ पे मेरे टीममेट ने भी बोलना शुरू कर दिया, अज्जू भाई 94। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अज्जू भाई 94 ने मुझे यहाँ पे फोर फार के चला गया। तो भाई यहाँ पे देखो, अज्जू भाई ने मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा कर दिया, ये बात उनका बिल्कुल भी गलत है। मुझे यहाँ पे लगा था कि अज्जू भाई यहाँ पे अपना ऑफिशियल ड्रेस पहन के आए होंगे, वो कंगाल वाला जो एक ड्रेस है वो वाला अपना ऑफिशियल ड्रेस पहन के आए होंगे, पर यहाँ पे देख लो अज्जू भाई यहाँ पे लेडीज़ कॉस्ट्यूम पहन के आ गए हैं। तो मुझे क्या पता था यार कि सामने अज्जू भाई खड़ा है, मुझे अगर पता रहता कि सामने अज्जू भाई है तो मैं थोड़ा सा और अच्छा खेलने का कोशिश करता। गांड फटे तो फटे, नबाबी ना घटे। तो गैस, खैर यहाँ पे जो हो गया सो हो गया, अब यहाँ पे कुछ किया भी नहीं जा सकता। यहाँ पे अज्जू भाई ने मेरे पूरे स्क्वाड को एक एक करके फेल दिया और यहाँ पे मैंने भी उनके दो स्क्वाड को, दो टीममेट को एक एक करके फेल दिया। तो गैस, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को मज़ेदार लगा होगा, वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके पास में एक बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को अपने एक और नए वीडियो में, अभी के लिए बाय। खत्म नहीं हुआ।
मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा, तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जैसे को तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सच्चाई है, ऊपर से शब्दों का चाटा है। What?